अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर जीत हासिल करने के लिए हमारे चिकित्सा वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं, नए नए शोध किए जा रहे हैं ताकि इस वायरस की जो बदलती प्रकृति है उसका अंदाजा सही से लगाया जा सके, नई नई रणनीति अपनाकर कैसे इस वायरस को खत्म किया जा सकता है इस पर लगातार मंथन हो रहा है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अंधविश्वास पर ही ज्यादा विश्वास है और वो तमाम पूजा पाठ के जरिए या और कुछ अनेक कार्यों के जरिए कोरोना पर जीत पाना चाहते हैं। आपको दिखाते हैं तमिलनाडु के कोयम्बटूर के एक मंदिर की कहानी जहां पर कोरोना देवी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। लोगों का मानना है कि कोरोना देवी नाराज हैं और अगर उनको शांत कर दिया गया, उनको प्रसन्न कर दिया गया तो ये महामारी खत्म हो जाएगी। आइए दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। कोरोना से निपटने के लिए जहां चिकित्सा विज्ञान दिन रात नए नए शोध कर रहा है, वहीं कुछ लोग अंधविश्वास के सहारे ही कोरोना पर काबू पा लेना चाहते हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कुछ लोगों ने एक प्रख्यात मंदिर में कोरोना देवी की मूर्ति ही स्थापित कर दी है। मंदिर में 1.5 फीट काले पत्थर की मूर्ति को कोरोना देवी की प्रतिमा मानकर प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इस मंदिर में 48 दिनों तक पूजा पाठ और यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। मंदिर प्रबंधन और लोगों का कहना है कि प्रकृति नाराज है, इसलिए संक्रमण का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पूजा पाठ करने से देवी प्रसन्न हो जाएंगी। उनका मानना है कि विपरीत समय में केवल भगवान ही उनकी मदद करते हैं, इसीलिए हमने कोरोना देवी का मंदिर बनाया है और हमारा दृढ़ विश्वास है कि भगवान लोगों को कोरोना महामारी से जरूर बचाएंगे। बताया जा रहा है कि इस मंदिर में आम लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लोगों को मंदिर में आकर पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंदिर प्रबंधन की ओर से ही 48 दिनों तक आयोजन किया जाएगा। हम आपको याद दिला दें कि 1900 के दशक में प्लेग बीमारी इसी तरह महामारी का रूप धारण कर चुकी थी, जिसको रोकने के लिए स्थानीय लोगों ने मरियम्मन मंदिर में पूजा पाठ शुरू किया था। पूजा पाठ के बाद स्थानीय स्तर पर प्लेग बीमारी में बेहद गिरावट देखी गई थी, इसलिए लोगों की आस्था है कि कोरोना देवी की पूजा से भी यह संक्रमण कम होगा। देखा जाए तो दक्षिण भारत में दूसरी बार है जब इस तरह की पूजा पाठ की जा रही है। पिछले साल जून में केरल में कोल्लम स्थित कड़क्कल में इसी तरह की एक मूर्ति स्थापित की गई थी।